हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। पिछले वीडियो में हम इनपुट डिवाइस को कवर कर चुके थे, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस प्लेस दैट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है या प्लेस है जहाँ पर डाटा को स्टोर यानी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, दो टाइप्स के होते हैं स्टोरेज डिवाइस। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू कॉल प्राइमरी मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दो टाइप्स के होते हैं प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट है आपका रोम यानी रीड ओनली मेमोरी एंड सेकेंड इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इन दिस मेमोरी वी कैन रीड बट कांट राइट ऑन इट। इस मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसे राइट नहीं कर सकते। रोम डाटा इज परमानेंटली ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रोम का डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है जब हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड नॉन वॉल्टाइल मेमोरी। इसलिए इसको नॉन वॉल्टाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वॉल्टाइल मीन्स इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, अपरिवर्तनशील मेमोरी। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रोम। मेनली थ्री टाइप्स के रोम होते हैं। फर्स्ट है आपका पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का जो डाटा होता है वो आप इरेज नहीं कर सकते, मीन्स एक बार सेव होने के बाद डाटा फिक्स हो जाता है। सेकंड होता है आपका ई पी रोम यानी इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का डाटा आप इरेज कर सकते हो। अल्ट्रा वायलेट लाइट द्वारा ई पी रोम का डाटा इरेज किया जा सकता है। थर्ड है आपका ई ई रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो ई ई रोम का डाटा होता है वो आप इलेक्ट्रिकी चार्ज द्वारा इसका डाटा रिमूव कर सकते हो। तो थ्री टाइप्स के रोम होते हैं। पी रोम, इसका डाटा आप रिमूव नहीं कर सकते। ई पी रोम, आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट द्वारा इसका डाटा रिमूव किया जा सकता है। और ई ई रोम में आप इलेक्ट्रिकली आप चार्ज से इसको इरेज कर सकते हो इसके डाटा को। अब आते हैं रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट इज़ अ वॉल्टाइल मेमोरी ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ये एक वॉल्टाइल मेमोरी है जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्टाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। द टास्क करेंटली परफॉर्म बाई सीपीयू आर स्टोर्ड इन रैम। जो काम होता है, जो टास्क होता है वो आपका रैम में स्टोर होता रहता है। रैम इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू। जो रैम है वो सीपीयू का एक पार्ट होता है। रैम डाटा डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू। जो रैम का डाटा होता है ये सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस होता है। इट इज़ अ वेरी फास्ट मेमोरी या बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। अब टाइप ऑफ रैम की बात करेंगे। दो टाइप्स के आपके रैम होते हैं। फर्स्ट है आपका स्टैटिक रैम यानी एस रैम एंड सेकेंड इज डी रैम यानी डायनेमिक रैम। एस रैम इज स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म होता है इसका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा रिमेन इन स्टैटिक रैम एज लॉन्ग एज दिस इज पावर सप्लाई। डाटा स्टैटिक मेमोरी में डाटा तभी तक रहता है जब तक इसमें पावर सप्लाई होता रहेगा। पावर सप्लाई आपका कट होते ही जो डाटा रहता है वो आपका मिट जाता है। इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। इसे आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज कैश मेमोरी। इसको हम कैश मेमोरी की तरह भी यूज़ करते हैं। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम बार बार यूज़ होने वाला डाटा यूज़ करते हैं।
सेकेंड इज डी रैम। डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम है उसे उसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा कैन बी स्टोर इन डी रैम ओनली व्हेन इट इज रिफ्रेश फ्रिक्वेंटली। जो डी रैम का डाटा होता है वह तभी आपका स्टोर होगा जब इसको बार बार आप रिफ्रेश करोगे। इसका एक एग्जांपल है, जैसे यदि आप मैच देख रहे हो तो मैच का जो स्कोर होता है वो आपका चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, तो उसमें आपका वर्क करेगा डी रैम, क्योंकि जो उसका डाटा रहता है उसको आपको रिफ्रेश करोगे तभी तो वो आपके जो भी रन वगैरह बनेंगे वो अपडेट होंगे। एस रैम का आपका जो आप यूज़ करते हो जैसे पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, तो वो आपका एस रैम है, क्योंकि उसमें बाबा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। डिफरेंट बिटवीन रोम एंड रैम। क्या रोम एंड रैम में क्या डिफरेंस है? तो बेसिक जो यहाँ पे डिफरेंस है वो है, रैम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है उसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। इसके डाटा को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम डाटा इज़ परमानेंट। जो रोम का डाटा है वो आपके मदरबोर्ड में परमानेंट स्टोर रहता है। रैम डाटा इज़ वॉलेटाइल। रैम का डाटा वॉलेटाइल होता है, यानी इसमें चेंजेस आप कर सकते हो। डाटा कांट बी मॉडिफाई। इसका डाटा आप चेंज नहीं कर सकते। डाटा कैन बी मॉडिफाई। इसका डाटा आप मॉडिफाई कर सकते हो। डाटा कैन बी कॉपीड फ्रॉम रैम रोम टू रैम सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट डाटा। डाटा को कॉपी करने के लिए रोम के डाटा से रैम के डाटा में आपको सीपीयू द्वारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीपीयू कैन एक्सेस डाटा स्टोर ऑन रैम। जो भी आप काम करते हो सीपीयू में उसका डाटा रैम में एक्सेस यानी स्टोर होता रहता है। रोम इज स्लोअर देन रैम। जो आपका रोम का डाटा होता है वो रैम के डाटा से स्लो रहता है। रैम इज फास्टेस्ट मेमोरी। रैम का जो मेमोरी होता है वो फास्ट होता है। अलग अलग कैपेसिटी के रैम आते हैं, आप जितने कैपेसिटी का रैम यूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी मेमोरी फास्ट रहती है। रोम इज चीप देन रैम। रोम जो होता है वो रैम से थोड़ा सस्ता होता है। रैम इज मोर एक्सपेंसिव। जो रैम होता है वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। टाइप ऑफ रोम, पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। एंड टाइप ऑफ रैम, एस रैम, डी रैम, डी डी आर रैम, डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी इसकी जो रैम की जो साइज़ है, क्वालिटी है, ये आपकी बढ़ती गई है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी मेमोरी। इसे एक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। एक्सिलरी मेमोरी क्या होते हैं? जो किसी मेमोरी की सहायता करते हैं, यानी सहायक मेमोरी। द मेमोरी यूनिट विच इज़ प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो आपको बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है इसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, एचडीडी एंड पेन ड्राइव। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? एक चौकोर प्लास्टिक का कोट का बना होता है। इसमें जो डाटा होता था वह 1.44 MB से 2.88 MB तक स्टोर किया जा सकता था, जो अपने मायने में बहुत ही कम डाटा आपका स्टोर ये कर सकता था। 1.22 से 2.88 मेमोरी 88 MB तक। सेकेंड है आपका सीडी। सीडी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, या आप लोग को पता ही होगा, या आपका गोल्ड डिस्क होता है। इसको रीड एंड राइट करने के लिए सीडी या डीवीडी ड्राइवर का यूज़ किया जाता था, और इसमें मैक्सिमम 700 MB तक डाटा को स्टोर किया जा सकता था। कितना? 700 MB तक डाटा को स्टोर किया जा सकता था। नेक्स्ट आता है आपका डीवीडी। डीवीडी डिस्क का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी आपका रीड एंड राइट करने के लिए डिविडर राइटर का यूज़ किया जाता था इसके लिए, और इसमें मेनली 4.7 GB तक डाटा को स्टोर किया जा सकता था।
मीन्स आपका जो फ्लॉपी डिस्क था इसमें सिर्फ आपके 3 MB तक डाटा स्टोर होता था, फिर इसकी कैपेसिटी बढ़ के आपके CD में हुआ तो ये आपका 700 MB, और DVD में आपका 4.7 GB तक डाटा स्टोर किया जाने लगा। तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ इसके जो टाइप्स है ये भी इंक्रीज होते गए। आपके HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपके अलग अलग कैपेसिटी के यूज़ होते हैं। क्या पहले आपका जो है पाटा पोर्ट का यूज़ होता था जिसमें लगभग आपके 40 पिन का डाटा केबल और 4 पिन का पावर केबल होता था। अब आपका जो है वो आपका साटा पोर्ट का यूज़ होता है, ठीक है। पहले पाटा पोर्ट का यूज़ होता था, अब आपका साटा पोर्ट का यूज़ होता है। इसमें आपके 7 पिन के डाटा केबल और 15 पिन का पावर केबल सिर्फ यूज़ होता है। इसमें आपके अलग अलग कैपेसिटी का यूज़ होता है, तो जिस कैपेसिटी का आप यूज़ करोगे उतनी ही आपकी स्टोरेज डिवाइस बढ़ती जाएगी। पेन ड्राइव आप सबको ही पता है, ये आपके USB पोर्ट में लगता है और ये भी आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर से कनेक्ट करते ही इसका ड्राइवर आपका क्रिएट हो जाता है। आज हमने पढ़ा स्टोरेज डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी में स्टोरेज डिवाइस होता है जो आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। दो टाइप्स के स्टोरेज डिवाइस होते हैं, फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये आपका CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। दो टाइप्स के होते हैं आपके रोम एंड रैम, यानी रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम रीड कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते। रोम का डाटा परमानेंटली सेव रहता है, इसलिए इसको नॉन वॉलटाइल यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं। रोम 3 टाइप्स के होते हैं, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको आप इरेजेबल नहीं, मीन्स इसका डाटा आप रिमूव नहीं कर सकते। ईपी रोम, इसको आप अल्ट्रा वायलेट लाइट द्वारा इसका आप डाटा रिमूव कर सकते हो। ईई रोम, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज द्वारा इसका डाटा रिमूव कर सकते हो। अब आते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ये आपका डायरेक्ट सीपीयू में इसका जो डाटा है वो स्टोर होता रहता है। रैम जो होता है वो सीपीयू का एक पार्ट होता है, ये सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस होता है और ये एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है। दो टाइप्स के रैम होते हैं, एस रैम का डाटा आप चेंज नहीं कर सकते और इसको आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप कैश मेमोरी की तरह भी यूज़ कर सकते हो। डी रैम आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है और इसको आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो ये आपका हो गया डिफरेंस, किस तरह आपका देख सकते हो। रोम आपका चीप होता है, ये आपका रैम जो होता है एक्सपेंसिव होता है। रोम आपका स्लोअर यानी स्लो रहता है, रैम आपका फास्टेस्ट रहता है। आपका ये रोम का डाटा परमानेंट स्टोर रह कर सकते हैं और आपका रैम का डाटा जो होता है वो आपका वॉलेटाइल यानी चेंजेस होता है, ये मॉडिफाई कर सकते हो और आप रोम का डाटा मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ये भी आपका बढ़ता गया। फ्लॉपी डिस्क में आपका कम स्टोरेज डिवाइस यूज़ होता था, CD में इससे ज़्यादा यानी 700 MB का यूज़ होने लगा, DVD में आपके 4.7 GB तक यूज़ होने लगा, HDD आपके अलग अलग कैपेसिटी के आने लगे, पहले पाटा आता था अब साटा पोर्ट में आता है। पेन ड्राइव भी आपका अलग अलग यूज़ होता है जो आपका USB पोर्ट में लगाया जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।